नहीं लगने वाली। और याद रखना, सिर पे पट्टा लगाओगे, पॉकेट में प्याज रखोगे और 12 तारीख को ये प्याज को लेकर भाजपा को रुलाओगे। तो आपका हमारा संबंध एक विकास और प्रगति का। आज गाड़ी में मैं आ रहा था, बड़ा लंबा दौरा मेरा हुआ है, ग्वालियर से पौरी, भेराड़, विजयपुर, श्योपुर, जौरा होते हुए मैं राजस्थान में पहुंचा हूं। और राजस्थान में उतरकर बारा जिला में जो पुराना हमारा रिश्ता उस जिले के साथ भी रहा है, क्योंकि सिंधिया परिवार का क्षेत्र वो भी था। मेरे गाड़ी में मेरे साथ दिल्ली से एक दो पत्रकार आ रहे थे, तो मैंने उनको समझाया कि जब बारा से हम लोग निकल के आ रहे थे, जोरी से गुजर के आ रहे थे, जिस जोरी में मैंने पहला सबस्टेशन आप लोगों को दिलवाया था 2004 में, वो भोगीराम जी मुझे याद आते हैं, जिन्होंने मुझसे लड़कर हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोरी का सबस्टेशन मुझसे मांगा था। और जब मैं जोरी गया था उस कार्यक्रम के लिए 3.5 घंटे मुझे लगे थे, क्योंकि जोरी पहुंचने के लिए सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पुराने जमाने में कहते थे ना कि जब सड़क न मिले तो पगडंडी पकड़ लेना। पगडंडी भी नहीं थी। के एल अग्रवाल जी को भी याद है, हम वहां ले गए थे सब स्टेशन ट्रक पे, और जब ट्रक पे सब स्टेशन पहुंचा रहे थे, ट्रक की एक्सली टूट गई। तो मैंने संकल्प लिया कि राजस्थान बॉर्डर तक बमोरी से मैं सड़क बना के दूंगा, और आज उसी सड़क में मैं चल के आया हूं। मेरे दिल्ली के पत्रकारों का कैमरा एक बार भी नहीं हिला। किसान का एक अनाज का पिंका भी जब वो जोरी से आता है इस क्षेत्र में, बैलगाड़ी में हो, ट्रैक्टर ट्रॉली में हो, एक अनाज का तिनका भी सड़क पर ना गिरे, ऐसी मखमल की सड़क बना के मैंने आप लोगों को दे दी। आप लोगों को याद है बमोरी से निहाल देवी से बिशनवाड़ा की सड़क, सैंड बोर्ड चौराहे की सड़क, इस क्षेत्र में म्याना से नई सराय से मोहखान की सड़क, और सबसे बड़ी सड़क इस क्षेत्र में म्याना से नई सराय से शाहरा से वजीरपुर की सड़क आपने मुझसे नहीं मांगा, लेकिन 90 किलोमीटर की सड़क 110 करोड़ रुपए की मैंने बना के आप लोगों को। और अमीनापुर का सड़क, एक एक सड़क इस बमोरी क्षेत्र में, पहले गुना के लोग यहां शादी करवाने से बचते थे, आज ऐसी मखमल की सड़कें मैंने बना दी है कि शादी की न्योता तो हजारों में रोज आ रही है मेरे बमोरी। सड़कों का जाल बिछा दिया मैंने, जैसे घर के अंदर दीवार पे जब मकड़ी होती है ना, मकड़ी क्या करती है, जाल बिछाती है। तो मैं बमोरी का मकड़ी हूं, मकड़ी। मैंने सकरों सड़कों का जाल बिछा दिया है इस बमोरी में। जितने भी तालाब थे सिंचाई के लिए मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किए गए थे, मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित किए गए थे,
और अगर योग्य पिता का मैं योग्य पुत्र हूँ तो मेरा दायित्व होता है कि वो अमृत का पानी भी आपके खेत तक पहुँचाऊ। और चाहे श्यामा सिंगा का तालाब हो या रघुवीर खड़े हैं आगे, श्यामा सिंगा का तालाब हो, बढ़िया नाला हो, 45 करोड़ का भैंसा टोरी हो, कालकीमा हो, मगरना हो, श्यामपुर हो, रेजाई हो, पिपराना हो, खंडेरा हो, बांदा हो, कलोरा हो, एक एक बांध को नवनीतिकरण करके आप लोगों को मैंने समर्पित किया है। बांधों की श्रृंखला, सड़कों की श्रृंखला, और जो आप लोग रोज चिल्लाते थे कि सिंधिया जी बिजली नहीं है, देखो अपने चारों तरफ देखो, एक एक खंभा मैंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में लगवाया, एक एक तार लगवाई, एक एक डीपी और ट्रांसफॉर्मर और सबस्टेशनों को तो ऐसे बौछार कर दी जितने शिवराज सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश में नहीं लगाए हो, वो गुना शिवपुरी में मैंने लगा कर दिया। चाहे अंधेरा हो, चाहे सेंधुआ हो, चाहे हिरोतिया हो, चाहे बांसकेरी हो, रामनगर हो, उकावल हो, मैरा हो, नियम होता है कि एक ब्लॉक में एक सबस्टेशन लग सकता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सारे नियम को तोड़ के 9 के 9 सबस्टेशन बमोरी में लगवा के आपको दे दिए। तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं तालियां कम क्यों बजी। सिंधिया जी ने खम्मा दे दिया, सिंधिया जी ने तार दे दिया, सिंधिया जी ने डीपी दे दी, सिंधिया जी ने ट्रांसफॉर्मर दे दिया, सिंधिया जी ने सबस्टेशन दे दिया, लेकिन शिवराज सिंह ने 15 साल से आपका करंट दिया। अब कांग्रेस की सरकार आई है, इस आने वाले चुनाव में 1100 वोल्ट का करंट भाजपा को लगा देना और कुंभकर्ण के नीचे उठा देना। हमारा संकल्प है आपका विकास और आपकी प्रगति। नैन सिसोदिया जी अभी मंत्री बने हैं कैबिनेट के, श्रम विभाग की जिम्मेदारी मैंने इनको दी है और मुझे गर्व है इन पर। 2 महीने के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक श्रम विद्यालय स्वीकृत हुआ, उस श्रम विद्यालय को उन्होंने बामोरी में 7 करोड़ रुपए का स्थापित करके रख दिया। तो विद्यालय 7 करोड़ का, सड़कों का अंबार 300 करोड़ का, राजीव गांधी विद्युतकरण योजना 150 करोड़ का, मावन में मसाला पार्क 50 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण 2800 करोड़ का। गुना आप जाते हो तो जिस गुना में एक ट्रेन नहीं आती थी, आज ट्रेनों का भंडार बढ़ा के मैंने आपको दे दिया है। भोपाल इंदौर गाड़ी, भोपाल ग्वालियर गाड़ी, इंदौर अमृतसर गाड़ी, इंदौर चंडीगढ़ गाड़ी, इंदौर जबलपुर गाड़ी, झांसी से उल्टी गाड़ी चला दी मैंने, ग्वालियर होते हुए शिवपुरी, गुना होते हुए बांद्रा के बॉम्बे के स्टेशन में पहुंचा दिया आपको, बैंगलोर की गाड़ी, पुणे की गाड़ी, पूरे देश भर में आप जा सकते हो और सिंधिया परिवार का झंडा गांव के रख सकते हो। तो जहां एक तरफ प्रगति और विकास का हमारा संबंध रहा है, एक इतिहास रहा है, दूसरे तरफ ये भाजपा के नौटंकी जिन्होंने कहा था कि हम लागत का दाम दुगना करेंगे, लागत का दाम आधा करेंगे, समर्थन मूल्य दुगना करेंगे। 5 साल में मोदी जी आपने लागत का दाम दुगना कर दिया और समर्थन मूल्य आधा करके छोड़ दिया। बीजेपी के सरकार के समय में 10 दिन आपकी ट्रॉली खड़ी रहती थी, 10 दिन पूरे दिन किसान ट्रॉली के ऊपर, रात भर किसान ट्रॉली के। आज 2 दिन के अंदर तलाई हो जाती है और 3 दिन के अंदर नगद का भुगतान आपका हो जाता है। हमने आपको कहा था
कि कांग्रेस की सरकार बनाना, हम हर किसान का ऋण माफ करके रखेंगे। और जो हमने कहा, दो दिन के अंदर मध्य प्रदेश के 55 लाख किसानों का 40,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करके हमने छोड़ दिया। तालियां थोड़ी कम बजी, सारी गुना और दिल्ली की मीडिया यहां आई है। अब सोच रहे हैं सिंधिया जी के लिए तालियां कब क्यों बजी। मैं बताता हूं तालियां कम क्यों बजी। जब हमने घोषणा की तो भाजपा की गोटी बंद, जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। पेट में पच नहीं रहा था, 2 महीने में 28 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है। आचार संहिता लगी और हमारे ऊपर पाबंदी लग गई। जब पाबंदी लगी तो भाजपा के नेता अपने बिल से निकल के आए। एक एक गांव में, एक एक चौपाल पर, एक एक व्यक्ति के साथ ये भाजपाइयों को एक ही चीज आता है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। जब आप और हम अदालत में जाते हैं ना, हम कसम खाते हैं कि हम सच कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच के सिवा। आज भाई ये क्या कहते हैं, हम झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। दो महीने बाद जब आचार संहिता लगी तो भाजपा के कार्यकर्ता एक एक चौपाल पर पहुंचे, एक एक गांव में पहुंचे और चौपाल में पहुंचकर कान के अंदर जो भाजपाइयों की आदत है, फुसर फुसर है कि नहीं, कान में जाकर फुसर फुसर, क्या माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ। एक एक चौपाल में जाकर अपने आप को कुछ नहीं कर पाए और जो किसी और ने किया उस पर पानी फेरने का काम, माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ। मैंने सीख लिया है इन भाजपाइयों को जवाब उनके तरीके में ही देनी होगी। अगले बार आपके चौपाल पे आएंगे और कहेंगे माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, उनके कान में कह देना 15 लाख का क्या हुआ, 15 लाख डाल रहा है सही है कि नहीं, बताओ सही है, ताली बजाओ। एक नंबर के नौटंकी, एक नंबर के झूठे। यहां है शिवराज जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और दिल्ली में मोदी जी और तीनों के तीनों सबसे बड़े ढोंगी जी। ऐसे ताली हो जाओ कि दिल्ली में सुन ले। 15 साल यहां, 5 साल वहां, पूरी देश की जनता के आंखों में धूल झोंका है। तो अब बबोरी की जनता
12 तारीख को जो आपके हाथों में 15 साल और 5 साल दूर झोंका है, अब सब में आजादी वाले अपने आप आजादी कर लेते हैं। याद है 2014 में